Hello friends, welcome to Computer and General Studies. Today our topic of discussion is data structure. आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. डेटा स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन. अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा इन अ कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी एक्सेस एंड मॉडिफाइड एफिशिएंटली. डेटा स्ट्रक्चर क्या है? ये एक वे है डेटा को ऑर्गेनाइज करने का और स्टोर करने का कंप्यूटर में सो दैट कि हम बाद में उस डेटा को एक्सेस कर सके और अच्छे से मॉडिफाई कर सके. ठीक है. A data structure is a collection of data values, the relationship among them and the functions or operations that can be applied to the data. Data structure kya hai? Ek collection hai data values ki, us collection mein kya kya cheeze hain? Data values hain, un values mein relationship hai aapas mein aur jo functions hum perform kar sakte hain us sare data values par wo functions hai. To ye sara collection kya hai? Data structure hai. Data structure is about rendering data elements in terms of some relationship for better organization and storage. अब data structure क्या है? इन सभी data elements को एक अच्छे तरीके से properly organize करके हम रखते हैं so that कि हमें बहुत सारे operations perform करने में help मिले. ठीक है. तो क्या है ये data elements? क्या है data values? क्या है? Suppose, एक example से बताती हूँ मैं आपको. Suppose हमें किसी player की information save करनी है. Suppose कीजिए नाम है अमित प्लेयर का और उसकी एज हमने सेव की है और कॉन्टेक्ट नंबर हमने सेव किया है एंड एड्रेस हमने सेव किया है फ्रेंड्स. ठीक है. तो इसी तरीके से हम ये हमने सेव किया है. ठीक है फ्रेंड्स. तो ये क्या है? डेटा स्ट्रक्चर है. दिस इज़ कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें हम क्या करते हैं? डेटा को स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को. ठीक है. नेक्स्ट इज़ फ्रेंड्स बेसिक टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर. और डेटा स्ट्रक्चर्स की कितनी टाइप्स होती हैं? एज वी हैव डिस्कस्ड अबव, एनीथिंग दैट कैन स्टोर डेटा कैन बी कॉल्ड एज अ डेटा स्ट्रक्चर. हेंस इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, कैरेक्टर एट्सेट्रा ऑल आर कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर. जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि कोई भी चीज़ जो डेटा को स्टोर करती है, इन्हें ऑर्गेनाइज तरीके से उसको स्टोर करती है अच्छे से और हमें ऑपरेशंस इंप्लीमेंट करने देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे इंटीजर है, फ्लॉट है, बुलियन है, कैरेक्टर है, ये सब क्या है? ये सब डेटा स्ट्रक्चर है. दे आर नॉन एज प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स और बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर. इनको क्या कहते हैं? ये किस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं? ये हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स. We also have some complex data structures which are used to store large and connected data. These are called abstract data structures. इसके बाद हमारे पास एक another type of data structure भी होते हैं जो large data को store करने के काम आते हैं और connected data को, थोड़ा और complicated जो data हो जाता है उसको store करने के काम आते हैं. हम इसे बोलते हैं abstract data structures. Examples of abstract data structures are linked list, trees, graphs, stacks and queues. तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स के क्या एग्जांपल्स हैं? लिंक लिस्ट हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर ट्रीज हैं, ग्राफ्स हैं, स्टैक है एंड क्यूज हैं. तो थ्रू आउट द कोर्स हम यही सारे टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स जो हैं स्टडी करेंगे. फाइन. तो फ्रेंड्स ये हमने कैसे कैटेगराइज किया है बेसिक टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स को. दिस इज डेटा स्ट्रक्चर. ये टू टाइप्स की होती हैं हमारी. वन इज बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड अनदर इज यूज़र डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर. ये जो यूज़र डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर हैं यही हमारी एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स होती हैं. तो बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या क्या आता है? इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर एंड पॉइंटर. ये बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स हैं. एब्स्ट्रैक्ट में है एरे, लिस्ट एंड फाइल्स. लिस्ट फर्दर डिवाइड कर देते हैं हम, लाइक लीनियर लिस्ट होती हैं एंड नॉन लीनियर लिस्ट होती हैं. जो लीनियर लिस्ट होती हैं वो स्टैक्स कहते हैं उनको एंड क्यूज इम्प्लीमेंटेशन. नॉन लीनियर में हमारे पास आ जाता है ट्रीज एंड ग्राफ्स. ठीक है फ्रेंड्स. तो इस डेटा स्ट्रक्चर्स के पूरे कोर्स में हम इन सभी टाइप्स की डेटा स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे और कौन सी डेटा स्ट्रक्चर किस फील्ड में हमारे लिए हेल्पफुल है, क्या ड्रॉबैक्स है, क्या हमारे पास एडवांटेज है किस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर्स की, ये सब हम स्टडी करेंगे. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.